हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सुप्रीम किचन। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बचपन में दिवाली पर हम मिट्टी के दिए और घर में बनाए मिठाइयों और नमकीन से मनाते थे। उन्हीं यादों में से आती है मठरी, एक आसान और हमेशा फेस्टिवल्स में बनाए जाने वाला नमकीन, जो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं मठरी। मठरी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है हमारा मैदा। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा लिया है और उसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे राइस फ्लोर। कोई इसमें आटे का फ्लोर डालता है, आटा डालता है, और थोड़ा सा मतलब राइस फ्लोर डालने से क्या होता है, ये थोड़ा और क्रिस्पी हो जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। देखिए 250 ग्राम मैदा में मैंने 2 बिग स्पून ऑफ राइस फ्लोर डाला है, दैट्स इट। फिर इसमें जाएगा हमारा नमक, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स अदर इंग्रेडिएंट्स जाएगा वो है साबुत धनिया, और ये है अजवाइन, और पड़ेगा इसमें मठरी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, दैट इज हमारा कसूरी मेथी। हम कूट देंगे इसमें, हम इसको थोड़ा सा इसमें कूट देंगे, और देन वी आर गोइंग टू ऐड इट टू द फ्लोर। इसे जैसे आप हल्का सा इस तरह से कूट दीजिए। देखिए इस तरह से हमारा ये अच्छी तरह से कूट गया है, जिसको हम ऐड करेंगे हमारे बाकी। आपको पता ही है कि धनिया का एक डिस्टिंक्ट खुशबू और फ्लेवर आता है, जो कि बहुत ही मतलब खाने में उसका और ज़्यादा एनहांस कर देता है उसका टेस्ट। आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट टू अनदर बिगर बाउल, बिकॉज मुझे वहाँ इसमें नीड करने में, गूंथने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, सो दैट्स वाई नाउ वॉट आई एम गोइंग टू डू, ये सारे चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने सॉल्ट ऑलरेडी ऐड कर दिया था, जैसे मैंने बताया कि इसमें ज़्यादा हमें मेथी, कसूरी मेथी हमें ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इसमें घी। एज आई टोल्ड यू कि इसमें हमें घी डालना है। ये मोयान है जो इसको हमारा जो मठरी है उसे खस्ता बनाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि सारे आटे में हमें घी को अच्छी तरह से मिक्स करना है थरोली, लाइक दिस। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, सारा घी सारे आटे और मैदे में पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इट्स लाइक दिस। अब इसे हमें गूंथना है टाइट टाइट सा, ज्यादा टाइट भी नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर वो रनी हो जाएगा, फिर आपका पूरा मठरी कुछ और ही हो जाएगा, पूरियां बन जाएंगे शायद से। सो यू हैव टू ऐड लिटिल लिटिल वाटर, सी दिस इज ऑल डन। इसको अच्छी तरह से आप ये करके, ये हमारा हो गया है, गुथ गया है। इसको हम 10 से 15 मिनट तक के लिए इसके ऊपर एक कपड़ा डालकर या तो एक प्लेट डालकर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। सो 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे हाफ में ये करके छोटे छोटे लोइयां बना लेंगे, ऐसे रफली, जैसे हम चपाती बनाते हैं उससे थोड़े छोटे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने छोटे छोटे लोइयां बना लिए हैं। इसको हमें करना क्या है, वी डोंट हैव टू रोल विद द रोलिंग पिन, जो हम रोटी की तरह बनाते हैं वैसे हमें करना नहीं है, रफली हमें इस तरह से दबाना है, इस तरह से हमें
दबाना है सारे इस तरह से। इनकी शेप बहुत ज्यादा इवन और राउंड होने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस इस तरह से। बाकी भी हम कर लेंगे। और हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसको हम हाई फ्लेम में नहीं करेंगे। सबसे पहले हम तेल को हम रखेंगे मीडियम, क्योंकि इससे ही इसका सही ढंग से फ्राई होगा। ठीक है, इसको डीप फ्राई जब करेंगे तो इसका हमारा ऑयल ओवर गर्म नहीं होना है, मीडियम गर्म होना है। ठीक है, मेरा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है और ये बन चुके हैं, इसको मैं बाकी मैं बना लेती हूँ। तब तक देखिए सारे मैंने इस तरह से दबा दिए। अब हम डालेंगे इसको ऑयल में। ऑयल देखिए गर्म है। अब हम धीरे धीरे ऐसे साइड से छोड़ेंगे। आराम से छोड़िएगा और इसको मीडियम में ही रखिएगा, हाई में नहीं रखिएगा। थोड़े और स्पेस है, ज्यादा भी मत डाल दीजिए, फिर उसको फ्राई होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। दैट मच आई हैव पुट। और इसको थोड़ा सा उसके बाद हमें इसे टर्न करना है। तो हमारे मटरी गोल्डन ब्राउन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। लेट्स टेक दीज आउट। वाह, देखा कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई। चाय भी बनाते हैं साथ में खाएंगे। लुक एट हियर, राइट। सो हमारा घर दिवाली के लिए रेडी है। हमने स्वीट्स भी बना लिया है, स्नैक्स भी बना लिया है। बाहर के स्वीट्स एंड स्नैक्स वो तो आते हैं, गिफ्ट में आते हैं, खुद भी हम लेके आते हैं, लेकिन घर पे बनाया हुआ स्नैक्स एंड स्वीट्स सचमुच हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है ना। लेट्स सी, है ना, लेयर्स में, है ना। दिस इज वेरी क्रिस्पी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। सो बन गया ना इजी स्नैक्स। इसे हम चाय के साथ खाएंगे। और ये मठरी इस दिवाली का एक सेवरी है, एक नमकीन, जो कि हमारे हर यू नो फेस्टिवल्स में इसे पसंद करते हैं। तो इसे बनाना भी जितना ही आसान है, देखा आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन हैप्पी दिवाली फ्रॉम आवर चैनल। बाय बाय, हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।